नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर फगवाड़ा हाईवे पर टायर फटने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर छेड़ू पुल से नीचे गिरा, चालक की हुई मौत, कंडक्टर घायल। अमृतसर पुलिस ने नौजवान से हुई लूट के मामले में दो आरोपियों को किया काबू, तेजधार हथियार, लूट के तीन मोबाइल और मोटरसाइकिल किया बरामद। बरनाला प्रशासन ने आइल्स मार्केट में स्थित इमिग्रेशन सेंटर्स पर की छापेमारी, 11 सेंटर्स को किया सील। और अब हलचल विस्तार से। बीती रात जालंधर फगवाड़ा हाईवे पर एक ट्रक का टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित हो जाने के कारण गांव छेड़ू के पुल से नीचे गिर गया, जिस कारण ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि कंडक्टर को घायल अवस्था में फगवाड़ा के सिविल हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए ट्रक के कंडक्टर संदीप ने बताया कि वह और उसके मौसा गुरविंदर सिंह अटारी बॉर्डर से ड्राई फ्रूट्स ट्रक में लाद कर दिल्ली की ओर जा रहे थे कि अचानक जालंधर के गांव छेड़ू के पास पहुंचते ही उनके ट्रक का टायर फट गया, जिससे ट्रक बेकाबू हो गया और पुल से नीचे गिर गया। संदीप ने बताया कि इस दुर्घटना में उसके मौसा की मौत हो गई है। वहीं मौके का जायजा लेने पहुंचे थाना फगवाड़ा के ASI दर्शन सिंह ने बताया कि रात को एक राहगीर ने उनको सूचना दी थी कि एक ट्रक पुल से नीचे गिर गया और तुरंत मौके पर पहुंचकर उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर को ट्रक से निकाला और फगवाड़ा के सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां ड्राइवर की रास्ते में मृत्यु हो गई और कंडक्टर का इलाज किया जा रहा है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਦਿਆ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਰਾ ਡਰਾਈਵ ਰੋਡ। ਜੀਰਾ ਡਰਾਈਵ ਰੋਡ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਟਾਇਰ ਫੜਨ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਹੇੜੂ ਪੁਲ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਿੱਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਹੌਸਪਿਟਲ ਹੀ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੌਰਾਨੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੌਸਪਿਟਲ ਜਾਂਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, 5-7 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ, ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਝੇੜੂ ਪੁੱਲ। अमृतसर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह के दिशा निर्देशों पर लूटपाट करने वाले गलत तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत थाना सदर की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को काबू किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ACP नॉर्थ वरिंदर खोसा ने बताया कि टंडन नगर इलाके के रहने वाले अक्षय कुमार से तीन नौजवानों द्वारा तेजधार हथियारों की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले को हल करते हुए पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले दो नौजवानों को 2 घंटों में ही काबू कर लिया है, जबकि इनका तीसरा साथी अभी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने आरोपियों के पास से तेजधार हथियार, लूट के 3 मोबाइल सहित वारदात में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया और उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लाया जाएगा, ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर कमिश्नर दे थाना सदर विखे 13 तरीक नूं दुपहरे करीब 2:30 बजे दे सानू एक इनफॉर्मेशन रिसीव हुई सी कि आकाश कुमार नाम का लड़का, जो कि साढ़े इत्थे टंडन नगर का रहने वाला वा, वह किसी काम लई बटाला रोड से जा रहा सी, तां उत्थे 3 अणपछाते नौजवान मोटरसाइकिल के पिछों आते हैं तो उसनू पहला तो कुटमार करते हैं, फिर उसके दातर नाल वार भी करते हैं, तो उस को उसका एक मोबाइल फोन तो 7,000 रुपया नकदी खो के भज जाते हैं। जिस तो बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आते हुए साड़ी पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची तो आकाश कुमार के बयान से साढ़े सदर थाने विखे दोषियों के खिलाफ 379(b)(2)
ਅਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਵਾਂਟਡ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਟੋਟਲ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਰਾਹੁਲ ਉਰਫ ਮੁਰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਸ਼ੁਦਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੋਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਆਇਲਸ ਕੋਚਿੰਗ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰੋਂ ਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਆਇਲਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ 16 ਏਕੜ ਮੇਂ ADC ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਸੇ 50 ਸੈਂਟਰੋਂ ਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੋਂ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਸੇ 11 ਸੈਂਟਰੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੋਂ ਕੋ ਸੀਲ ਕਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ADC ਬਰਨਾਲਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਿਕੋ ਕੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਵਸਰ ਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਤਹਿਤ ਵੇ ਹਮੇ ਆਪਣੇ ਆਵਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਯਦਿ ਉਨਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤੋ ਕੇਂਦਰੋਂ ਕੀ ਸੀਲ ਖੋਲ ਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਇਨ ਸੈਂਟਰੋਂ ਕੇ ਲੋਗ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਤੋ ਯੇ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਤੇ। ਜਬ ਤੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੀ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਤੀ ਤਬ ਤੱਕ ਯੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀਲ ਰਹੇਂਗੇ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਸੈਂਟਰੋਂ ਕੋ ਸੀਲ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਭੀ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਕੇਂਦਰੋਂ ਕਾ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਸੇ ਭੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਸੈਂਟਰ ਕੇ ਪਾਸ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਤ ਸਥਿਤੀ ਮੇਂ ਇਨ ਕੇਂਦਰੋਂ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਪਰਪਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਸੈਂਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਆਫਿਸ ਉਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਨੇ ਗਤ ਦਿਨੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਬਾੜ ਕੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਔਰ ਰਵੀਵਾਰ ਕੋ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੇ ਸਭੀ ਕਾਰਿਆਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇਂਗੇ, ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਜਬ ਹਮਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸਥਿਤ PSPCL ਕੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਕਾ ਦੌਰਾ ਕੀਆ ਤੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਥੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਥੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ SDO ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕਲਰਕ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ੋ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕੋ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਿਆਲੇ ਲੋਗੋ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇ ਲੀਏ ਖੋਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਗੋ ਕੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਓ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਔਰ ਰਵੀਵਾਰ ਕੋ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਕਈ ਇਲਾਕੋ ਮੇਂ ਬਾੜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤੋਂ ਮੇਂ ਵੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਲੋਗੋ ਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਂਗੇ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਅਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਚਲੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੜ੍ਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 9 ਤੋਂ 5 ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ੂਮਰਸ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਰੈਲੇਟਿਵਲੀ ਗਰਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ੂਮਰਸ 9 ਤੋਂ 5 ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਜ਼ਮਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੰਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਡ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। अगर आप भी ऑटो में बैठकर कहीं जाते हो तो हमेशा सावधान रहें, क्योंकि कई ऐसे ऑटो चालक हैं जो कि आपको अपने साथ वाली सीट पर बिठाकर लूट की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसा ही एक मामला जलंधर के टीवी सेंटर पर देखने को मिला है, जहां सतनाम सिंह ने वासी रैया जो कि जलंधर किसी काम से आया हुआ था कि जब वह टीवी सेंटर के सामने पहुंचा तो ऑटो चालक ने उसकी जेब से पर्स निकाल लिया, जिसके बाद जब सतनाम ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसका पर्स गायब था। इस बारे में जब उसने ऑटो चालक से पूछा तो उसने ऑटो को तेज कर दिया। इतना ही नहीं, ऑटो चालक सवारी सतनाम सिंह को अपने साथ घसीटता ले गया, जिसमें सतनाम बुरी तरह से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया। इस सारी घटना की सूचना तुरंत लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल सतनाम सिंह के बयान दर्ज कर लिए, वहीं साथ में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जलंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਰੱਖ ਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆਟੋ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਰਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਆਟੋ ਦਵਾ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਟੋ ਹੋਰ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਰੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੌੜ ਗਿਆ ਆਟੋ ਦੌੜੇ ਨਾ, ਦੋ ਅੱਖੀ ਮਗਰ ਗਈ ਉਹਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰਹੀਏ ਵਿਧੀਪੁਰ ਫਾਟਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਰਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਆਟੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹਦਾ ਪਰਸ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪੰਪ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਟੋ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋੜਨੇ ਵਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 52 पिछले 72 घंटों से घग्गर नदी में आई बाढ़ के चलते बंद है। वहीं अब खनौरी के नजदीक नेशनल हाईवे 52 पानी के तेज बहाव के चलते टूट चुका है। घग्गर नदी का पानी के बहाव लगातार पिछले एक हफ्ते से तेज चल रहा है और उसमें संगरूर के खनौरी मूनक इलाके के दर्जनों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की मदद के लिए आर्मी तैनात कर दी गई है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ये NH 52 जी खनौरी तो दिल्ली रोड, तो असी खड़े हाँ 32 दर ते, इतने पानी का बहाव बहुत तेज़ है जी। ये पिछों घग्गर का पानी आ रहा है, 32 दर तो क्रॉस होकर बाकी सारे पिंड पिछे डबो रहा जी, मंडवी अंदाणा बोपर बनारसी मुनक तक जी ये चल रहा जी। तो रोड के उपरों भी 3-3, 2-2 फुट पानी उपर चल रहा जी। NH 52 के ट्राले दो ट्राले पलटे हुए ने जी, एक बंदा बिच फस गया सी, कल कढ़िया गया, तो पुल दोनों पास्यों 32 दर का टुट चुक है जी, बह गया जी पानी के बहाव। पुल के हालात किस तरह है मेन हाईवे का? बहुत बुरे हालात ने जी, रस्ता बंद किया हुआ सरकार ने, कोई आवाजाही नहीं हैगी इतने जी, इस करके इनू रेड जोन किया हुआ जारी। हाँ जी बहुत डेरिया के उत्ते घर लोग भी फसे ने, डंगर पशु फसे है, बाकी सेवा कर रहे ने जी लोग, लंगर की भी पठिया की भी पिंडा दे। अमृतसर में फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के बुलावे पर हलका पूर्वी की विधायक जीवन ज्योत कौर फोकल पॉइंट पहुंची। उन्होंने वहां उपस्थित उद्योगपतियों से बैठक की, वहीं फोकल पॉइंट की टूटी सड़कों की हालत को करीब से देखा। इस मौके पर एसोसिएशन के पैट्रन कमल डालमिया, प्रधान संदीप खोसला व उद्योगपति नवल गुप्ता ने जीवन ज्योत कौर को बताया कि सीवर के पानी को निकालने के लिए एक डिस्पोजल फोकल पॉइंट के बाहर लगा है, जिसकी मोटर काफी क्षमता वाली है, इसलिए वहां से मोटर पानी को खींच कर बाहर फेंकती है, लेकिन फोकल पॉइंट के अंदर बने डिस्पोजल में लगी मीटर
कम क्षमता वाली है, जिससे सड़क पर एकत्रित सीवर के पानी की खिंचाई नहीं हो पाती। इतना ही नहीं, मोटर खराब होने पर कई महीनों तक ठीक नहीं होती, इसलिए वह डिस्पोजल पर हाईवे पावर वाली मोटर लगाई जाए ताकि पानी की निकासी सही हो सके। उद्योगपतियों की समस्याओं को सुनने के बाद जीवन ज्योत कौर ने कहा कि उन्होंने समस्या को करीब से देखा है, इसका आने वाले महीनों में हल हो जाएगा। बरसाती मौसम के खत्म होते ही जहां सड़कें बनाई जाएंगी, वहीं अंदरूनी डिस्पोजल पर हैवी मोटर लगाई जाएगी। इसके लिए मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। इस मौके पर महासचिव सुभाष अरोड़ा व चरणजीत अरोड़ा, नवल अग्रवाल, अमित गुप्ता, मनीष बांसल, संजय अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, हीरा लाल मदन, दिनेश अरोड़ा, प्रतीक सिंह अरोड़ा, अश्विनी बब्बर, सतीश बब्बर, राजेश कपूर और राकेश हांडा भी उपस्थित थे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। धन्यवाद करना चाहनी हाँ फोकल पॉइंट वक् वक् एसोसीएशन जिहड़ियां अज इन्हां दियां कॉमन प्लेटफॉर्म ते आईयां ने, क्योंकि तीन चार एसोसीएशन सीगियां, सो अज इन्हां ने एक कॉमन मीटिंग रखी सीगी जिहदे विच असीं सारे इत्थे पहुंचे हाँ। और इस वेले जे मैं गल कल्ले फोकल पॉइंट की करदी हाँ तां मेरे ख्याल ओह किते जस्टिफाई नहीं होना, क्योंकि इन्नी हैवी रेन दे करके इस वेले ते सारा पंजाब जिहड़ा 13 या 14 पंजाब दे जिहड़े डिस्ट्रिक्ट्स ने उत्थे 8-8 फुट पानी है, सो अद्धा पंजाब जिहड़ा हैगा सो साडा फ्लड्स दे नाल जूझ रहा हैगा। और फोकल पॉइंट ऑफकोर्स मैं अज इत्थे पहुंची हाँ, साढ़े ऑलरेडी ये नोटिस है कि इत्थे बारिश के करके, क्योंकि सड़कां प्रॉपर नहीं हैगियां ने और सीवरेज की प्रॉब्लम है, और जिहड़ी मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि साइड के जिहड़े चैंबर्स हैगे आ वो किसी टाइम तो सीगे पर इस वेले बंद हो चुके, चैंबर्स काम नहीं कर रहे। सो मेरी सवेरे भी कमिश्नर साहब के नाल गल हुई सी, इहदा इमीजिएट जिहड़ा रिलीफ हैगा वो असीं दिवाना चाहवांगे, जिहदे विच ये है कि इमीजिएटली जिथे जिथे पैचिंग हो सकती है वो करवा दिती जाएगी, और उस तो बाद जिहड़े चैंबर्स हैगे बनने ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲਵਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਆ ਉਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਡੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्सेस प्रैक्टिशनर्स द्वारा 2 दिवसीय नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस अमृत कलश करवाया गया। इस अवसर पर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट डॉक्टर नवीन रतन ने बताया कि ये कॉन्फ्रेंस AIFTP की ओर से एसोसिएशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स अमृतसर और GST प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर करवाई गई है, जिसमें पैनल चर्चाओं के अलावा इंटरेक्टिव सेशन किए गए हैं, जिसमें फेक इनवॉइसिंग, सर्च एंड सीजर, वर्तमान के टैक्सेशन मुद्दों और सुधार को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से न्यायाधीश ऋतु बारी, AIFTP के नेशनल प्रेसिडेंट एडवोकेट पंकज घिया, महासचिव राजेश मेहता व अन्य शामिल हुए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज अमृतसर में हमारी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है जो नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस है, हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि आज हमारे बीच में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश बिंदल साहब और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरुण पल्ली साहब आए हुए हैं, और आपके आशीर्वचनों से, आपके गुड विशेस से हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें टेक्निकल सेशंस होंगे जो GST, इनकम टैक्स और अलाइड लॉस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बड़ा अच्छा सेशन गया, इस सेशन दे जिहड़े चीफ गेस्ट सीगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज सीगे साडे, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो भी आए सीगे जज अरुण पल्ली साहब सीगे, वो भी साडे नाल सीगे, और जिहड़े मुंबई दे विचों फेडरेशन दे प्रेजिडेंट सी वो भी आए सी, सारे बंदे इकट्ठे होए सी, बड़े दूर दूर तो भी आए सी बंदे, और इहदे बारे GST दे बारे भी गल्लां कीतियां गईयां थोड़ियां जिहियां, और जज साहब ने बड़ा विस्तारपूर्वक दस्सिया कि टैक्सेस किद्दां दे होने चाहिए ने, नवीं जनरेशन नूं किस तरह केस तैयार करने चाहिए ने, किस तरह नवीं चीज़ां डिवेलपमेंटां आंदियां पईयां ने, सुप्रीम कोर्ट दे विच किस तरह ऑनलाइन गल्लां होण लग पईयां ने, उहदे बारे सारे उन्हें जानकारी दित्ती है। बहुत लंबा अच्छा डिटेल्ड लेक्चर देता जिहदे नाल असीं लोकी सारे बहुत फायदा उठा सकदे हां। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि कई ट्रेनें रद्द होने के कारण वे यहां से जा नहीं पाए।
तो वहीं पंजाब में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राहत कार्य जारी है। दूसरे राज्यों से काम की तलाश में पंजाब आए प्रवासियों का कहना है कि वे वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ट्रेनें रद्द होने के कारण रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं। पिछले 3 दिनों से उनकी ट्रेनें रद्द की गई हैं, इस कारण उनके मन में डर का माहौल है कि वे कब वापस जा सकते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कहाँ जा रहे हैं? बिहार। किस वजह से जा रहे हैं? पानी की वजह से। वहाँ पानी आ गया हुआ है जी। तो कब से यहाँ पे स्टेशन पे खड़े हैं? आज सुबह से। तो ट्रेन मिल रही है? नहीं मिल रही। क्या बता रहे हैं? बोल रहा है कि ट्रेन नहीं है। आपको बताया गया किस वजह से कैंसिल हो रही है? वो नहीं बताया। तो अभी मांग क्या करते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं जी? आज तो 2 रोज हो गया सर, पानी के वजह से हम लोग जा रहे हैं। बिहार घर पड़ता है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, पानी बहुत आ गया है, समस्या खड़ा हो गया है घर में। यहाँ से कितने लोग जो वापस जा रहे हैं? सर बहुत आदमी है हम तो यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं, ये सारे पानी की वजह से? हाँ हाँ, सारे पानी के वजह से जा रहे हैं। अच्छा, तो ट्रेन को झलियाले पास से जाना है, वो ट्रेन 6 बजे की बता रहे हैं और वो है 12:45 की। और गाड़ी कैंसिल है, क्या करें बैठे हैं, प्रॉब्लम तो यही है और बाकी गाड़ी कैंसिल है। तो ट्रेनें कैंसिल भी हो रही हैं, ट्रेन से पहले कितने दिन से बैठे हुए आप? मैं तो सुबह से बैठा हूँ। तो अपने गुवाहाटी जाना सीखा, मैं जॉब करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, तो बहुत परेशानी हो रही है। दिबड़ू गाती मेरी टिकट सी, ट्रेन सी, तो पहला मैं टिकट करवाई सी, वो कैंसिल हो गई है। तो हूँ फिर दोबारा मैं लै तो लैनी सी, मतलब ये है कि हूँ कैंसिल हो गई तो कि कोई हल नहीं है जी। बाकी ये है कि अपने पंजाब होने करके भी चंगा वा, जहाँ जिन्हें रद्द हो रही है जहाँ जिन्हें कोई परेशानी आ रही है भी नहीं कल परसों तक कितने भी हल हो सकता। अपने इतने पंजाब का यह है कि अपने पंजाबी लंगर ला देंगे, कोई खाण पीने लो कोई तंगी नहीं है। आम आदमी पार्टी पंजाब महिला विंग की प्रधान रजविंदर कौर की ओर से जलंधर छावनी के अधीन आते दीप नगर की सड़कों का जायजा लिया गया। इस दौरान प्रसिद्ध समाज सेवक एवं आप नेता अजय कुमार पीवल ने रजविंदर कौर को टूटी हुई सड़कों के कारण लोगों को आ रही मुश्किलों के बारे में अवगत करवाया, जिसके बाद रजविंदर कौर ने सभी अधिकारियों को मौके पर ही सख्त निर्देश देते हुए जल्द से जल्द सड़क का निर्माण करवाने के आदेश दिए। इस मौके पर लव कुमार, गुरिंदर सिंह, हीरा अग्रिम, लवली ईशान, गुरदर्शन सिंह, राजेंद्र कुमार राजू, सुरेश कुमार सहित अन्य इलाका निवासी भी मौजूद रहे। जलंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट।